नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मध्य प्रदेश के दो कांग्रेस विधायकों ने बड़े बयान दिए हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा से विधायक हरदीप सिंह डंग ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश आदि देशों से दुखी होकर लोगों को अगर भारत में सुविधाएं मिलती हैं तो उसमें बुराई क्या है। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर सीए का विरोध करने वालों को सलाह दी है कि नागरिकता संशोधन कानून की राजनीति बंद करो। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश आदि देशों के दुखी लोगों को अगर भारत में सुविधाएं मिलती हैं तो इसमें बुराई क्या है। विधायक के इस जवाब पर जब सवाल उठाया गया कि इसका अर्थ यह हुआ आप सीए का समर्थन करते हैं, तो डंग बोले कि सीए और एनआरसी को अलग अलग देखने की जरूरत है। डंग ने कहा कि एनआरसी के नाम पर कई पीढ़ियों से जो लोग रह रहे हैं उनसे प्रमाण मांगना गलत है। एक सवाल के जवाब में डंग ने कहा कि पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व मैंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था, अब सीए और एनआरसी को जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। सीए व एनआरसी दोनों अलग अलग मुद्दे हैं जिन्हें एक रूप में नहीं देखा जा सकता। लोगों को इनकी पूरी जानकारी नहीं होने से भ्रमित हो रहे हैं। केंद्र सरकार विसंगतियों को दूर कर दोनों मुद्दों को अलग अलग परिभाषित करे। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ, CAA जो अगर कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश में अगर कोई साथ वहाँ पर दुखी है और यहाँ पर अगर उसको सुविधा मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और NRC के नाम पर जो यहाँ के निवासी हैं जिनके दादा पिताजी यहाँ पर रहते हैं और उनसे अगर प्रमाण पत्र मांगते हैं ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जबकि वो यहाँ पर जन्मों से जन्म यहाँ पर ही रह रहे हैं। इसको दो ही को अलग अलग तरीके से देखा जाए नहीं, इसमें दो अलग तरीके से देखा जाएगा। ये राजनीति जो चल रही है कहीं ना कहीं ये दो ही को मिला के देखा जा रहा है, जबकि CAA अलग चीज है, NRC अलग चीज है। इधर सीए को लेकर लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर विरोध करने वालों को सलाह देते हुए कहा कि नागरिकता कानून की राजनीति बंद करो। राजगढ़ जिले के चांचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे रोजगार की व्यवस्था करो, रस्सी को ज्यादा खींचने से वो टूट जाती है। गौरतलब है कि लक्ष्मण सिंह ने इससे पहले 13 दिसंबर को भी ट्वीट कर सीए पर कहा था कि संसद में कानून पारित हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, इस विषय पर ज्यादा टिप्पणी बयान व्यर्थ है, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।